अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा ब्रेड जी। ये बड़ा क्विक और इजी स्नैक है, तो मैं आज आपको ये बनाना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें, और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, तो चले देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो सैंडविच पिज़्ज़े के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो दर्जा ज़ैल हैं, ठीक है जी। इसके लिए मैंने ये ब्रेड लिया, ब्रेड मैंने सैंडविच ब्रेड यूज़ की है, ये मार्केट से इजीली मिल जाती है। इसमें और आम ब्रेड में फ़र्क है कि इसका जो स्लाइस है वो काफ़ी बड़ा होता है आम ब्रेड से, वो मैंने लिया है। इसके अलावा मैंने ये चिली सॉस यूज़ की है, ये श्रेड किया हुआ चिकन है। आपने अगर ये डालना है तो ये ठीक है, नहीं तो जैसे हम जो चिकन होता है चिकन को पका कर बारबेक्यू तरह वो भी हम डाल सकते हैं, जिसे तिक्के तरह चिकन की बोटियां वगैरह करके उस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ श्रेड हुआ हुआ बॉयल्ड चिकन। उसके बाद चैटर्ड चीज़ है जी, मोज़रेला चीज़ है, काली मिर्च है, नमक है, नमक हसबे ज़रूरत है, आपको जितना पसंद हो आप अपना डालिएगा। उसके बाद टमाटो केचप है, उसके बाद टमाटर है, टमाटर आप चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा शिमला मिर्च चाहिए जी, शिमला मिर्च अब मैंने ली है दो तरह की, रेड और ग्रीन, तो आप एक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने प्याज चॉप किए हैं। अब चले देखते हैं कि हमारा जो सैंडविच चीज़ पिज़्ज़ा जो है कैसे बनता है, अब वो आगे देखते हैं। अब ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया, हमने ये एक स्लाइस लगा दिया, उसके अलावा हमने ये एक स्लाइस लगा दिया, दो स्लाइस लग गए। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले ये करेंगे, ये जो हमारे पास केचप है, केचप के अंदर मैं थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड कर लूँगा। ये केचप के अंदर मैंने चिली सॉस ऐड कर लिया तकरीबन दो चम्मच के करीब। अब ये हो गया जी, अब इसे मैंने ये किया, अब ये इसके ऊपर इस तरह लग गई। ये स्लाइस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये आम ब्रेड से काफ़ी बड़ा होता है, इसे सैंडविच कहते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये देखें जी ये आप लग गई हमारी। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं ये जो श्रेड हुआ हुआ चिकन है वो इसके ऊपर करूँगा जी। इसके ऊपर आप तिक्का बोटी वगैरह भी जो ऐसे हम पिज़्ज़े के ऊपर बना कर लगाते हैं आप उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं, वो भी एक दिन मैं आपको बना कर दिखाऊँगा। फिलहाल श्रेड चिकन के साथ बना कर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। इसके मैंने किनारे दोनों ब्रेड के नहीं उतारे क्योंकि किनारे कोई बात नहीं, अच्छे लगेंगे इसके अंदर भी, कोई मसला नहीं। उसके बाद अब हमारे पास ये सब्जियाँ हैं, टमाटर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। ये मैंने प्याज इसके ऊपर डाला, बस आपने ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही डाल दी। उसके बाद हम इसके ऊपर ये शिमला मिर्च है। अब हम इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ है वो पहले फेंक देंगे थोड़ी सी। अब मैं थोड़ा सा और चिकन इसके ऊपर फेंकने लगा, ये चिकन अब मैं कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर हमारे पास आ गई है जी ये चैटर चीज़, अब मैं चैटर चीज़ डालूँगा, ये फैलती है, अच्छी लगेगी इसके ऊपर।
अब दोनों साइडों के ऊपर मैं चैटर चीज़ फेंक रहा हूँ। ये हमारे पास चैटर चीज़ आ गई। अब इसके ऊपर टमाटर और शिमला मिर्च दोबारा मैं फेंकने लगा। अब ये हमारी हो गई है कोटिंग। आप ये हो गया। आप इसके ऊपर थोड़ा सा हसबे ज़रूरत आपने नमक, क्योंकि चीज़ के अंदर भी नमक होता है, तो आपने थोड़ा सा नमक जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर देना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा काली मिर्च अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, मुझे थोड़ी सी पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसके ऊपर जो काली मिर्च वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च इसके ऊपर। हाँ जी, अब इसकी जो फिलिंग है वो पूरी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये रेडी है। ओवन मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है, वो तकरीबन 5-10 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था। अब इसे मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट इसे ओवन में रखूँगा ताकि चीज़ ये मेल्ट हो जाए। हर चीज़ पकी हुई है तो इस वजह से सिर्फ 3 से 4 मिनट ही हम लगाएंगे तो हमारा ये जो सैंडविच पिज़्ज़ा है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, अब मैंने दो और मज़ीद इसी तरह तैयार कर लिए हैं। अब हमारे पास ये 4 पीस हो गए हैं। अब इन्हें मैं ओवन के अंदर रखने लगा हूँ और बनाने लगा हूँ। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेंगे। ले जी, ये हमारी तैयार हो गए हैं गालबन। ये देखें जी, चीज़ सारी मेल्ट हो गई है। हमने इसके अंदर सिर्फ अपनी चीज़ ही मेल्ट करनी थी और ये तैयार हो जाने हैं। अब इसे मैं डिश आउट करता हूँ। ये देखें जी, कैसे ज़बरदस्त और मज़ेदार बने हैं जी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। अब फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।